नमाज खुदा की इबादत है, वो रोजाना 5 वक्त के लिए फर्ज है। जमात के साथ नमाज की अदायगी के लिए उसका इंतजाम मस्जिदों में किया जाता है। नमाज में सबसे पहले वुजू किया जाता है, चेहरा और हाथ और पाँव को पानी से धोकर नमाजी अपने अंदर इस एहसास को जगाता है कि वो हमेशा पाकीजा जिंदगी गुजारेगा। यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि वो अमल जो हर रोज हम करते हैं उसको इन्होंने बहुत सादा लफ्जों में बयान किया है। और जैसा कि हमने किताब पढ़ने से पहले ये बात तय की थी कि इस किताब के पढ़ने का मकसद जहाँ एक तरफ अपने शऊर को बेदार करना है, वहाँ हमें अपने बच्चों को और उन लोगों को खासतौर पर जो इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानते, नॉन मुस्लिम्स वगैरह को इस्लाम के मुख्तलिफ शायर का या मुख्तलिफ चीजों का तारुफ कराना है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि नमाज क्या चीज है, नमाज क्यों पढ़ते हैं आप, तो हो सकता है कि आपके जहन में कोई बात ही ना आए और आप कुछ से कुछ जवाब देने लगे। लेकिन जब आप इस तरह की तहरीर को गौर से पढ़ते हैं और अपने जहन में ये चीजें बिठाते हैं कि किसी को भी हम जब नमाज के बारे में बताएंगे तो किस तरह बताएंगे, तो इस एतबार से एक बहुत बेहतरीन रहनुमाई भी फराहम कर रही है तहरीर आपको कि नमाज को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं आप किसी के सामने। और दूसरा इसका फायदा ये है कि ये जो भी हम एक्शंस करते हैं उनमें गौर फिक्र करके उनके मकासद भी साथ वाजे करते हैं। मसलन हम में से कितने लोग हैं जो वुजू करते हुए ये सोचें कि वुजू मेरी जहाँ जिस्मानी पाकीजगी और तहारत का जरिया है, वहाँ पूरी जिंदगी में मुझे ये तहारत का सबक सिखाती है। तो ये लिखते हैं कि इन्हीं वुजू के बाद इंसान के अंदर ये एहसास जागता है कि वो हमेशा पाकीजा जिंदगी गुजारेगा, फिर वो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कहकर नमाज के अमल में दाखिल होता है। यानी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, नमाज से पहले की चीजें हैं उनका भी एक मकसद है और फिर खुद नमाज का अमल। इस तरह वो इकरार करता है कि बड़ाई सिर्फ एक खुदा के लिए है, आदमी के लिए सही रवैया सिर्फ ये है कि वो छोटा और मुतवाज़े बनकर दुनिया में रहे, यानी हम्बल बनकर रहे, आजिज़ी इख्तियार करे। यानी ये नमाज का मैसेज है, ये नमाज का सबक है। लेकिन बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं और ज्यादा अकड़ जाते हैं या उनको अपनी इबादत का एक तकब्बुर और गुरूर होने लगता है, जबकि नमाज इंसान के अंदर हकीकी मानों में आजिज़ी पैदा करती है। नमाज में आदमी कुरान के कुछ हिस्सों को पढ़कर अपने बारे में खुदा के अहकाम को जहन में ताज़ा करता है। यानी ईच टाइम जब हम कोई सूरत तिलावत करते हैं तो उसके मानी अगर हमको आते हो तो वो अल्लाह ताला के साथ एक हम कलामी और एक राबता उस्तवार होता है और हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या है। फिर वो रुकू और सजदा करके अमल की जबान में ये कहता है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही रवैया दुरुस्त है और वो ये कि मैं खुदा का ताबे बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारूं। नमाज का अमल जब खत्म होता है तो तमाम नमाजी दाएं और बाएं मुंह फेर कर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम्हारे ऊपर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। ये इस बात का ऐलान है कि नमाज के जरिए तरबियत पाकर अब तमाम नमाजी इस तरह दुनिया में दाखिल हो रहे हैं कि उनके दिल में दूसरों के लिए रहमत और अमन के सिवा कोई दूसरा जज्बा नहीं, यानी वो सबके लिए सलामती का पैगाम है। और ये कितनी खूबसूरत बात है इस्लाम की पहचान कराने के लिए तमाम लोगों को कि हर दिन में 5 नमाजों के अंदर कई बार हम ये सलाम दाएं और बाएं हर तरफ करते हैं। और अगर कोई शौरी नमाज पढ़े तो वो अपने अंदर भी एक सुकून पाएगा और दूसरों के लिए भी एक सलामत इंसान बनेगा, यानी सलामती का पैगाम लेकर निकलेगा। वो समाज का अमन पसंद मेंबर बनकर रहेंगे, वो किसी के साथ बदखाही का अमल नहीं करेंगे, यानी किसी को अपनी जबान और अपने हाथ से तकलीफ नहीं देंगे। और यही हकीकी दीन है और यही अमली नमाज है। नमाज एक एतबार से खुदा की इबादत है, वो खुदा की खुदाई का एतराफ है, वो हर किस्म की बड़ाई को सिर्फ खुदा के लिए खालिस करते हुए उसके आगे झुक जाना है। यानी मुसलसल अपने दिल को तकब्बुर से पाक करना है कि असल बड़ाई तो अल्लाह के लिए, क्योंकि एक दफा नहीं कई दफा हम उसमें अल्लाह अकबर कहते हैं उठते बैठते वक्त। दूसरे एतबार से नमाज आदमी को इसके लिए तैयार करती है कि लोगों के दरमियान वो सच्चा इंसान बनकर रहे, वो लोगों के साथ मामला करने में तवाज़ो और हमदर्दी का अंदाज इख्तियार करे। नमाज खुदा के साथ भी नमाजी के मामले को दुरुस्त करती है और इंसान के साथ भी उसके मामले को दुरुस्त करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम में जो इबादत हैं वो महज एक रिचुअल नहीं है या एक खास अंदाज में किए जाने वाले कुछ एक्शंस नहीं है, बल्कि हकीकत में वो इंसान के अंदर एक गहरी सोच पैदा करते हैं और उसको एक पसंदीदा इंसान बनाते हैं। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों की जहाँ सिफात का जिक्र किया है, खासतौर पर उनके उनकी इबादत का, तो उसका भी मकसद यही है कि वो अल्लाह के पसंदीदा कैसे बने इन्हीं तरीकों से।
तो गोया दिन में ये कई दफा हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अफसोस ये कि बेसोचे समझे करते हैं, इसलिए वो नमाज जो है वो हमारी अमली जिंदगी में कहीं नजर नहीं आती। नमाज एक अलग फेल बन के रह गया और हम उससे हटकर बेसोचे समझे जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी नमाज को अमली जिंदगी के साथ भी मरबूत करें, कनेक्ट करें। इस पर मेरा एक लेक्चर है जो 1999 में मैंने दिया था इस्लामाबाद में, नमाज क्या सिखाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने इससे फायदा उठाया और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मौका पाकर इस लेक्चर को सुने और उसमें काफी तफसील के साथ हर रुकन जो नमाज के अंदर हम अदा करते हैं या हर एक्शन जो करते हैं उसकी मानवीयत पे बात की गई है कि उसका मतलब क्या है। यानी देखने में बजाहिर एक एक्शन है कि हम हाथ उठा रहे हैं या अल्लाह अकबर जबान से कह रहे हैं या सीने पे हाथ बांध रहे हैं या रुकू में जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक सबक है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं, उसको कुछ भी फायदा नहीं होता अगर हम हाथ बांध के खड़े रहें, उसे कुछ भी फायदा नहीं होता कि अगर हम सर झुका के रुकू में चले जाएं या हम जमीन पर सजदा करें अपने नाक रगड़ें, उसे क्या फायदा। इसका दरअसल फायदा हम ही को पहुँचता है। और वो क्या फायदे हैं जो हमें नमाज के जरिए पहुँचते हैं, तो इस पर आप अगर मजीद तफसील जानना चाहें तो ये लेक्चर आपको फायदा देगा और आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो चीज आपको पसंद आए, चाहे ये लेक्चर या और कोई भी चीज, तो बेहतर है कि जो भी आपके प्यारे हैं, जो भी आपके अजीज हैं, उनके साथ शेयर किया करें और उन्हें बताया करें कि इस चीज से आपको क्या फायदा हुआ है, क्या सीखा आपने, आपके अमल में क्या तब्दीली आई है, आपके रवैये में क्या तब्दीली आई है, आपको किन किन परेशानियों से निजात हुई है, ताकि अल्लाह का ये दीन जो हम सबकी खुशी के लिए और हम सब के दुनिया और आखिरत के फायदों के लिए आया है उससे दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। और जब हम दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे तो खुद उसका फायदा पलट के हम ही पे आएगा। जब इंसान दूसरों के लिए खैर चाहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। हम सब के ऊपर कैफियत गुजरती रहती है, कभी ऐसा होता है कि नमाज बहुत अच्छी हो जाती है, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मुख्तलिफ चीजों से घबरा के उस कैफियत में नहीं रहता। तो ऐसी बातें अगर एक दूसरे को हम याद कराते रहें तो फिर से ईमान बढ़ने लगता है। फिर उनके बाद ऐसे नालायक जानशीन उनकी जगह आए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो वो अनकरीब गुमराही को मिलेंगे। अल्लाह सुभान व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत अज़्ज़ारियात में आता है, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नो इंस को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरत अल-बकरा में तमाम इंसानियत को मुखातिब करते हुए अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। इबादत का माना होता है इंतहाई खुजू और आजजी इख्तियार करना। इस आजजी की बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन इबादत नमाज है। नमाज इबादत की आला तरीन शक्ल है, ये एक फर्ज इबादत है। नमाज हमें दुनिया में बुराइयों से बचाती है और आखिरत में जहन्नम की आग से। नमाज हमारी गलतियों और कोताहियों का कफारा भी करती है, इसीलिए कुरान मजीद में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बहुत ताकीद आई है। इसको अदा करने वाले कामयाब और इससे गुरेज करने वालों का बुरा अंजाम इस आयत में बताया गया है जिसका आज हम मुताला करेंगे। فخلف من بعدهم خلف أدعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, सूरत मरियम की आयत नंबर 59 में अल्लाह सुबहानु ताला फरमाते हैं, فخلف من بعدهم خلف, तो उनके बाद ऐसे लोग जानशीन हुए। अरबी में एक खल्फ होता है, एक खलफ होता है। खल्फ कहते हैं बुरे जानशीन को और खलफ कहते हैं अच्छे जानशीन को। यानी सूरत मरियम में अल्लाह सुबहानु ताला ने जिन अम्बिया का जिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, उन सब का जिक्र करने के बाद, उनकी तारीफ करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, के उन काबिले तारीफ लोगों के बाद ऐसे बुरे जानशीन आए कि जिनकी सबसे बड़ी बुराई क्या थी, अदा उस सलात, उन्होंने नमाज जाया कर दी, मतलब उस शहवात और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। यानी इनके आबाओ अजदाद नेक थे लेकिन इनकी औलादों ने नमाजें छोड़ दी, या फिर उन नमाजों के अरकान व वाजिबात छोड़ दिए, या ये कि उन्हें अपने वक्त से ताखीर के साथ पढ़ा और ऐसे काम किए कि जिससे नमाज का पढ़ना और न पढ़ना एक ही हो गया। नाखल्फ लोगों की यहाँ सिफात बयान की गई है
जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इनके बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे कि वो ऐसी बातें करेंगे जिन पर वो अमल नहीं करेंगे और वो ऐसे अमल करेंगे जिनका उन्हें हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो जो अपने हाथ से जिहाद करे वो मोमिन है, जो अपनी जबान से जिहाद करे तो वो मोमिन है, जो अपने दिल से जिहाद करे तो वो मोमिन है, और अगर ये भी न हो तो खशखाश के दाने बराबर भी ईमान नहीं रहता। यानी ऐसे लोगों को समझाना चाहिए जबान से भी और हाथ से भी, यानी जैसे अपने बच्चे हैं और वो छोटे हैं अभी 10 साल के बाद भी अगर नमाज नहीं पढ़ते तो जैसे कि हदीस में आता है कि उनको मार भी सकते हैं, ताकि वो अगर प्यार मोहब्बत से और समझाने से वाज नसीहत से नहीं समझते तो सख्ती से समझे, हत्ता कि नमाज उनकी आदत हो जाए और फिर उसके बाद जिंदगी में वो उस पर चलते रहे। तो बात ये हो रही है कि उन चुने हुए लोगों, इनाम याफ्ता लोगों के बाद आने वाले बुरे और शरीर लोगों का फिस्क व फुजूर क्या है, क्या सिफत है, क्या दलील है कि अदा उस सलात, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया, नमाज को छोड़ दिया, या ये कि शरीयत के मुताबिक उसे अदा नहीं किया, उसमें सुस्ती दिखाई, उसमें एहमाल किया यानी उसे निगलेक्ट कर दिया या उससे मना कर दिया। ये लोग अल्लाह से डरने वाले लोग नहीं थे। मुजाहिद कहते हैं कि इससे मुराद इस उम्मत के वो लोग हैं जो रास्तों में जानवरों और गधों की तरह एक दूसरे पर सवार होते हैं, ना तो वो आसमान में अल्लाह से डरते हैं और ना जमीन में लोगों से शर्म करते हैं। यानी उन्होंने बेहयाई और बुराई के तरीके अपना लिए और जिस काम के लिए उन्हें पैदा किया गया था उस काम को उन्होंने छोड़ दिया। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 60 साल के बाद ना अहल लोग पैदा होंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 60 साल बाद, जो नमाज को जाया कर देंगे और ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ेंगे। उनके बाद ऐसे लोग जानशीन होंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी सिर्फ तजवीद और किरात के माहिर होंगे लेकिन कुरान उनके दिलों पर असर नहीं करेगा और ना ही उनके अमल में आएगा। और कुरान की किरात 3 तरह के लोग करते हैं, नंबर 1 मोमिन, नंबर 2 मुनाफिक और नंबर 3 फाजिर। अदा उस सलाता, इन्होंने नमाज को जाया कर दिया, यानी एक अहम फरीजा जो दीन का सुतून है, जो ईमान का मेयार और कसवटी है और जो रब्बुल आलमीन से इखलास का सबूत देने का जरिया है, तो उसमें उन्होंने अपनी नमाजें जाया की, यानी अहम फरीजा को अदा नहीं किया। तो बहुत से अहले इल्म ये कहते हैं कि यहाँ इससे मुराद नमाज पूरी तरह छोड़ देना है, यानी ये वो लोग हैं जो नमाजें छोड़ देते हैं। बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो नमाजों को उसके आखिरी वक्त तक मुअख्खर कर देते हैं, यानी पढ़ तो लेते हैं लेकिन बेवक्त की पढ़ते हैं। और बाज़ कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो नमाजों के औकात जाया कर देते हैं, यानी कजा कर करके पढ़ते हैं। और बाज़ ने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो अरकान और वाजिबात को जाया कर देते हैं, यानी नमाज के सारे अरकान शरायत वगैरह पूरी तरह अदा नहीं करते। हसन बसरी कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने मसाजिद को बेकार और खाली कर दिया और खेती बाड़ी को लाजिम कर लिया, यानी दुनिया के काम काज में, दुनिया कमाने में ऐसे मसरूफ हुए कि नमाजों को मस्जिद में पढ़ने की बजाय जहां पढ़ सके पढ़ लिया वरना ना पढ़ा। इब्ने मसूद और इब्राहिम कहते हैं कि उन्होंने नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर कर दिया। सईद बिन मुसैब कहते हैं ये वो शख्स है जो जोहर नहीं पढ़ता यहाँ तक कि असर दाखिल हो जाती, असर नहीं पढ़ता यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता है। लोगों ने इब्ने मसूद से पूछा कि नमाज को जाया करने का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा इससे मुराद नमाज को इतनी देर से पढ़ना कि वक्त निकल जाए। तो उन लोगों ने कहा हम ये समझते थे कि नमाज को छोड़ देना उसे तर्क करना है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो नमाज को छोड़ देते तो दीन से ही निकल जाते। नमाज को लेट करना बहरहाल निफाक की अलामत है, जिसका हदीस में भी जिक्र आया है, और सुस्ती से पढ़ना और दिखावे की नमाज पढ़ना और अल्लाह को कम याद करना ये मुनाफिकीन की नमाज की सिफात है। सूरत अन्निसा आयत 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराउन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह से धोखाबाजी कर रहे हैं हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, यानी शौक से नहीं जाते नमाज की तरफ, खुशी से नहीं जाते, लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मुनाफिक की नमाज है, ये तो मुनाफिक की नमाज है, ये तो मुनाफिक की नमाज है कि सूरज को बैठे देखता रहता है, जब वो शैतान के दो सींगों के दरमियान होता है यानी गुरूब होने के करीब होता है तो खड़ा होकर चार ठोंगे मारने लग जाता है, इसमें अल्लाह का जिक्र नहीं करता मगर बहुत थोड़ा, यानी अल्लाह को याद करने की बजाय वो इधर उधर की बातें सोचता रहता है या बस नमाज को सर से उतारने की फिक्र करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बेशक मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है, दोनों आराम के वक्त हैं और नींद के वक्त हैं, इसलिए ऐसे औकात में उनको नमाज पढ़ना और मुश्किल लगता है। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि वो लोग हैया अल सलात हैया अल फलाह के अलवाज सुनते हैं, तंदुरुस्त और सही सालिम होने के बावजूद नमाज पढ़ने नहीं जाते। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी आजान की आवाज आती है इसके बावजूद भी वो उससे गफलत बरतते हैं। एक माना भी किया गया है कि ये उम्दगी से नमाज नहीं पढ़ते। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर मुड़े और फरमाया, ऐ फुला तुमने अपनी नमाज अच्छी तरह क्यों नहीं अदा की, क्या नमाजी को दिखाई नहीं देता जब वो नमाज पढ़ता है कि उसने किस तरह नमाज अदा की, हालांकि वो अपने ही लिए नमाज अदा करता है, तो फिर चाहिए कि अच्छे से अच्छे तरीके से अदा करे। इसी तरह एक माना ये भी है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, बस सर से उतारने की कोशिश करना। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उन्होंने एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा, उसने नमाज में कमी की यानी तेज तेज पढ़ रहा था, सही तरह रुकू और सुजूद अदा नहीं कर रहा था। हुज़ैफ़ा ने उससे कहा, तुम कितने अरसे से ऐसी नमाज अदा कर रहे हो? उसने कहा, 40 साल से। तो उन्होंने कहा कि तुमने 40 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी, अगर तुम ऐसी ही नमाज पढ़ते मर जाते तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के अलावा ही मरोगे। फिर कहा, बेशक एक आदमी हल्की नमाज पढ़ने के बावजूद उसे मुकम्मल और अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। तो असल मकसूद क्या है कि नमाज का फिर हक अदा किया जाए, इत्मीनान से नमाज के अरकान को अदा किया जाए। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद तशरीफ ले गए, उसी वक्त एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि वापस जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो लौट गया, उसने वैसे ही नमाज दोबारा पढ़ दी जैसे पहले पढ़ी थी, फिर आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने फरमाया वापस जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरह 3 मरतबा हुआ। फिर उसने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इससे बेहतर नमाज अदा नहीं कर सकता, लिहाजा आप मुझे सिखा दीजिए। आपने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो, इसके बाद जितना कुरान तुम्हें याद हो उसको पढ़ो यानी सूरत फातिहा के बाद, फिर रुकू करो यहाँ तक के इत्मीनान से रुकू करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक के सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक के इत्मीनान से सजदा करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक के इत्मीनान से बैठ जाओ और अपनी पूरी नमाज में इसी तरह करो, यानी हर रुकन इस तरह अदा करना चाहिए कि उसके बाद इंसान अपनी जगह पर ठहर जाए सुकून से और फिर दोबारा अगला रुकन अदा करे। फिर इसी तरह रुकू और सुजूद में अगर कमर सीधी ना की जाए और बस थोड़ा सा झुका के सर उठा लिया जाए तो आपने फरमाया वो नमाज काफी ना होगी जिसमें आदमी अपनी पुश्त को रुकू और सुजूद में सीधा ना रखे। इमाम शाफी, इमाम अहमद और इसहाक कहते हैं, जो अपने रुकू और सजदे में अपनी पुश्त सीधी नहीं रखता यानी स्ट्रेट नहीं होती, उसकी नमाज फासिद हो जाती है। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाज में ये 6 सिफात मुनाफिकों की अलामत है। नमाज की तरफ जाते वक्त सुस्ती का मुजाहरा करना, नमाज अदा करते हुए लोगों के लिए दिखावा करना, उसकी अदायगी में ताखीर करना, जल्दी जल्दी ठोंगे मारना, उसमें अल्लाह का जिक्र कम करना और बाजमात नमाज से पीछे रहना। तो खुलासा यह है कि जो शख्स वुजू मुकम्मल करने और रुकू और सुजूद को मुकम्मल करने की हिफाजत न करे वो नमाज की हिफाजत करने वाला नहीं होता, और जो नमाज की हिफाजत नहीं करता गोया वो उसे जाया कर देता है, और जो नमाज को जाया कर देता है तो वो बाकी शरीयत के तमाम अहकामात को भी ज्यादा जाया करने वाला होता है। और जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है अल्लाह उसके दीन की हिफाजत करता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसका तो कोई दीन ही नहीं होता। ऐसे लोगों की दूसरी सिफत क्या बताई गई? वत्तबा उशहवात, कि वो ख्वाहिशात के पीछे लग गए यानी गुनाहों में पड़ गए, शराब नोशी में पड़ गए, अपने नफ्सों पर शहवत को तरजीह दी अल्लाह की इताअत के मुकाबले में, मुनकरात में आगे बढ़ गए,
नमाज को जाया करने का भी सबसे अहम सबब यही है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील में अपना वक्त इस्तेमाल कर देता है और जब नमाज का वक्त आता है तो या वो थक चुका होता है या फिर उसका दिल बदल चुका होता है और नमाज पढ़ने में उसका दिल ही नहीं लगता। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में मरवी है कि ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों से वो लोग मुराद हैं जो मजबूत महल बनाते हैं, काबिले तवज्जो सवारियों पर सवार होते हैं और मशहूर लिबास पहनते हैं। यानी ये बीमारियां जो आज हैं, ये आज की नहीं है, ये हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर की है कि उन्होंने क्या जबरदस्त तरीके से तशखीस की कि ख्वाहिशात की पैरवी का मतलब क्या है कि बड़े बड़े घर बनाए जाएं और अपनी सारी सलाहियतें उन्हीं में लगा दी जाएं, ऐसी गाड़ियों पर बैठा जाए जो नोटिसेबल हो, ऐसी सवारियों पर बैठा जाए जो लोगों की निगाह में हो, लोग उस पर रश करते हो, और ब्रांडेड लिबास पहने जाएं, यानी उनका पूरा लाइफस्टाइल ही दुनिया के पीछे भागने का हो जाता है और इबादत की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती, उनका दिल नहीं लगता। तो ख्वाहिशात उन चीजों के मुतालिक होती हैं जो इंसान को पसंद आते हैं काम, या इंसान जिनको करना चाहता है, जिनके साथ वो मुआफकत रखता है और जिनसे वो बचता नहीं है। सही हदीस में है कि जन्नत नापसंदीदा चीजों के साथ घिरी हुई है और जहन्नम ख्वाहिशात के साथ घिरी हुई है। इस बारे में अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्रील अलैहि सलाम से कहा, जाकर उसे देखाओ। चुनाचे जिब्रील अलैहि सलाम गए और देखा, वापस आकर अर्ज किया, या रब्बी व इज्जतिक, ऐ मेरे रब, आपकी इज्जत की कसम, इसके मुतल्लिक जो भी सुनेगा वो इसमें दाखिल होना चाहेगा। फिर जन्नत को नापसंदीदा चीजों से ढांप दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, उसे देख कर आओ। चुनाचे वो दोबारा गए और उसे देखा, कहा, या रब व इज्जतिक, ऐ मेरे रब, आपकी इज्जत की कसम, मुझे अंदेशा है कि अब इसमें कोई दाखिल ही नहीं हो सकेगा। यानी इतना मुश्किल रास्ता है। और इसी तरह जब आग को पैदा किया तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्रील, जहन्नम को देख कर आओ। जब वहां पहुंचे तो आकर कहने लगे, या रब व इज्जतिक, ऐ रब, आपकी इज्जत की कसम, जो इसके मुतालिक सुनेगा इसमें दाखिल होना नहीं चाहेगा। अल्लाह के हुक्म पर उसे ख्वाहिशात से ढांप दिया गया। फिर फरमाया, ऐ जिब्रील, जाकर उसे देख कर आओ। वो देख कर आए, देखा तो कहा, या रब व इज्जतिक, मुझे तो अंदेशा है अब कोई आदमी इसमें दाखिल होने से बच न सकेगा। यानी ऐसा फिसलन का रास्ता है, ऐसा ख्वाहिशात का रास्ता है कि सब उसी तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि ये इंसान के लिए एक इम्तिहान है। उसके अंदर ख्वाहिशात की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है, लिहाजा जो चीज इंसान को खुशनुमा लगती है इंसान उसके पीछे भागता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में तीन चीजों का डर है। बखीली, जिसकी इताअत की जाए, यानी इंसान बुखल करे, यानी दिल में बुखल का ख्याल आए तो उसकी पैरवी करे। ख्वाहिश नफ्स, जिसकी पैरवी करे, यानी कुछ अल्लाह के रास्ते में देने की बजाय अपनी ख्वाहिशात पर इंसान खर्च करने लगे। और गुमराह इमराम, जो लोगों को मिसलीड करे अपनी ख्वाहिशात परस्ती की वजह से। फिर इसी तरह अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना, ये भी गुमराही का रास्ता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक उन गुमराह कुन ख्वाहिशात से सबसे ज्यादा अंदेशा है जिनका ताल्लुक पेट और शर्मगाह से होता है, और अपनी मर्जी पर चलने की गुमराही का भी अंदेशा है। अपनी मर्जी पर चलने की गुमराही, यानी जो दिल में आएगा वो करेंगे। अगर देखा जाए तो ख्वाहिश की शिद्दत जो है वो हर बुराई की जड़ है। कुरान मजीद में ये जो आता है वो उहदरत अल अनफुस शुह, तो शुह का माना ये किया गया है कि किसी चीज में शदीद ख्वाहिश रखना और उसकी हिर्स करना, और यही शुह जो है ये इंसान को फिर बहुत सी बुराइयों पर आमादा करती है, खून रेजी पर, मुहर्रमात को हलाल समझने पर। इसी तरह यह है कि ख्वाहिश परस्ती जो है ये गफलत का जरिया है। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे फकर से नहीं डरता, लेकिन इस बात से डरता हूँ कि दुनिया तुम पर कुशादा कर दी जाएगी जैसे पहले लोगों पे की गई थी, तो तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने लगोगे जिस तरह वो एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे, और वो तुम्हें गाफिल कर दे जिस तरह उन लोगों को गाफिल कर दिया था। ख्वाहिश परस्ती से इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, तुम्हें अम्वाल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न करें, और जो ऐसा करेंगे वही खसारा उठाने वाले हैं। यानी इंसान की आमतौर पर ख्वाहिश माल की होती है, औलाद की होती है, फिर आगे जाकर इंसान इन चीजों में इतना महव हो जाता है, इतना इनसे राजी हो जाता है कि अल्लाह की याद से ही गाफिल हो जाता है। यानी इन चीजों के ना होने पर जिस तरह वो रब को पुकारता था, इनके मिलने के बाद वो रब को उस तरह नहीं पुकारता। तो जब इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करने लगता है तो वो फराइज से गाफिल हो जाता है।
और फिर ख्वाहिश परस्ती ऐसी चीज है कि जो अल्लाह सुबहान तआला के अहकामात को बोझ बना के रख देती है। अब्दुल्लाह इब्ने अमर कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने में लग जाते हैं, यानी फिर मुराद ये है कि अपने फराइज को भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, उनके लिए क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कुछ न होगा। लेकिन जो शख्स ख्वाहिश पर नमाज को तरजीह दे तो उसकी फजीलत भी बयान की गई है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला तीन किस्म के आदमियों से मोहब्बत करता है, उन पे हंसता है, उनसे खुश होता है। उनमें से एक वो जिसकी बीवी खूबसूरत हो, उसके पास बेहतरीन नरम बिस्तर हो, लेकिन फिर भी वो क़याम करने के लिए रात को खड़ा हो जाता है, यानी ख्वाहिशात छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदे ने अपनी शहवत को तर्क कर दिया और मेरा जिक्र कर रहा है, मुझसे सरगोशी कर रहा है, अगर ये चाहता तो सो भी सकता था। तो इनका अंजाम क्या बताया गया, फसौफ यलकौना गैया, तो अनकरीब ये भटक जाएंगे, यानी नमाजों को जाया करने वाले, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले आखिरत में खसारे और शर का सामना करेंगे, क्योंकि दुनिया में ये गुमराह हो गए और सिरात मुस्तकीम से भटक गए। गैया की तफसीर करते हुए बाज अहले इल्म कहते हैं कि ये जहन्नम की वादी है, और इस बारे में जो आसार हैं वो ये, इब्ने जरीर ने यही मौकिफ इख्तियार किया कि गई जहन्नम की एक वादी है। अरबी जबान में गई का लफ्ज जो है रुश्त के मुकाबले में आता है, भलाई के मुकाबले में। ला इकराह फि दीन का तबय्यन रुश्त मिन अल गई, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, बिलाशुबा हिदायत गुमराही से साफ वाजे हो चुकी है। शर और गुमराही को भी गई कहा जाता है, शर और गुमराही के लिए भी लफ्ज गई इस्तेमाल होता है। तो जो शख्स गुमराह होता है वो भलाई पर नहीं होता, और जो भलाई का रास्ता छोड़ देता है तो फिर ये चीज उसको अजाब तक पहुंचा देती है। इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने गई से मुराद सिर्फ भटकना नहीं लिया, बल्कि भटकने का जो अंजाम है जहन्नम की सूरत में वो भी मुराद लिया है। वहब कहते हैं कि नहरुन फी जहन्नम बईदुन क़ारुहु खबीसुन तामुहु, कि ये जहन्नम में एक नहर है कि जो बहुत ही गहराई वाली है और उसका खाना इंतहाई खबीस है। इब्ने अब्बास कहते हैं, अलगैयु वादिन फी जहन्नम, कि गई जहन्नम की वादियां, इब्ने अब्बास का कौल है ये कि उनकी गर्मी से पनाह मांगनी चाहिए, जो कि जिना पे इसरार करने वाले, आदि शराब पीने वाले, सूद खाने वाले और उससे बाज न आने वाले, और वालदैन की नाफरमानी करने वाले और झूठी गवाही देने वालों के लिए है। अता कहते हैं, अलगई से मुराद वादिन फी जहन्नम यसीलु कैहन व दमन, ये जहन्नम की ऐसी वादी है कि जिसमें पीप और खून बहता है। काब कहते हैं, हुआ वादिन फी जहन्नम अबादुहा कारन वशद्द हर्रन, कि ये जहन्नम ऐसी वादी है कि जो बहुत दूर गहरी है और बहुत सख्त गर्म है। इब्ने मसूद कहते हैं कि जहन्नम की एक वादी है जिसकी गहराई बहुत लंबी है और उसकी खुराक बहुत बुरी है। तो इस आयत से हमें खासतौर पर नमाज की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया, इस मकसद के लिए पैदा किया गया, लिहाजा जब तक ये मकसद पूरा नहीं करता उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कायनात की तमाम मखलूकात जो हैं वो अल्लाह सुबहान तआला की तस्बीह करती हैं, उसकी नमाज पढ़ती हैं। सूरत नूर में आता है, अलम तरा अन अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफातिन कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है और फजा में पर फैलाए हुए परिंदे भी, ये सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर मखलूक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है, गोया सारी मखलूक पर है ये नमाज, हर एक का तरीका अलग है, वो उनको खुद पता है कि क्या करना है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह सब कुछ जानता है। सारी मखलूक अल्लाह के आगे सजदारेज है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन में जितनी भी चीजें हैं खुशी और नाखुशी से अल्लाह को सजदा कर रही हैं। तमाम अंबिया की तरफ नमाज की वही की गई। वजअल्लाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअस ज़कात व कानू लना आबिदीन, और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे, और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और जकात अदा करने की वही भेजी, और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे। तो इससे क्या पता चलता है कि तमाम अंबिया को ये हुक्म दिया गया। अल्लाह सुबहान तआला अपने सारे बंदों को इसका हुक्म देते हैं, कुल लिइबादी अल्लज़ीना आमनु युकीमुस्सलात, मेरे बंदों से जो ईमान लाए हैं उनसे कह दीजिए कि वो नमाज कायम करें, और फिर नमाजों की हिफाजत का हुक्म भी दिया गया।
सच्चे ईमान वालों की सिफत ये बताई गई, अल्लज़ीन युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और उसमें से जो हमने उन्हें दिया वो खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। यानी उनकी सच्चाई इन दो चीजों से साबित होती है, ईमान तो ले आए और उसके बाद युकीमून अस्सलात और फिर वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने बंदों पर पांच नमाजें फर्ज की हैं। नमाज इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन है, इस्लाम का सुतून भी है। इस दीन की बुनियाद इस्लाम है, तो जो इस्लाम लाया वो सलामत रहा और इसका सुतून नमाज है। तो नमाज जो है वो अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी दीन की बुनियाद है, सुतून है। और अगर किसी इमारत से सुतून है उसका निकाल लिया जाए तो इमारत कायम नहीं रहती। नमाज छोड़ने को कुफर करार दिया गया। बहकी कहते हैं कि ईमान के बाद इबादात में से नमाज के अलावा कोई ऐसी इबादत नहीं जिसको अल्लाह ने ईमान का नाम दिया हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके छोड़ने को कुफर करार दिया हो। नमाज आमाल में सबसे बेहतरीन अमल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबित कदम रहो और तुम हरगिज इसकी मुकम्मल इताअत नहीं रख सकोगे, और जान लो तुम्हारा सबसे बेहतरीन अमल नमाज है, और वुजू की मुहाफ़ज़त वही करता है जो मोमिन हो। तो इससे ये पता चलता है कि जब तक इंसान अपनी नमाजें पूरी नहीं करता उसके बाकी अमाल भी उस तरह कबूल नहीं होते, और सबसे टॉप पर नमाज ही है। और ये ऐसा फरीजा है जो किसी हाल में भी साकित नहीं होता। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो पहलू के बल लेट कर पढ़ लें, लेकिन नमाज जैसे भी हालात हो छोड़ी नहीं जा सकती। यहाँ तक के मैदान जंग में भी जब दुश्मन से मुकाबला हो तो नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु ताला रोजाना दो बार फरिश्तों से बंदों की नमाज की खबर लेते हैं, असर के वक्त और फजर के वक्त, जब फरिश्ते तब्दील होकर जाते हैं और वो नमाजों में ही आकर बंदों से मिलते हैं। और हर नमाज के वक्त एक ऐलान होता है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हर नमाज का वक्त शुरू होता है तो एक मुनादी करने वाले को भेजा जाता है। वो कहता है, आदम के बेटो उठो और इस आग को बुझाओ जो तुमने अपने नफ्सों के लिए जलाई है। तो वो खड़े होते हैं और वुजू करते हैं तो उनकी आंखों से उनके गुनाह झट जाते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं तो साबका नमाज के दरमियानी वक्फे में होने वाले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, यानी पिछली नमाज और मौजूदा नमाज के बीच में जो गलतियां हुई उनको माफ कर दिया जाता है। और यही मामला फिर असर के वक्त होता है, और जब मगरिब होती है तो यही मामला पेश आता है, जब इशा का वक्त होता है तो इसी तरह होता है, जब लोग सोते हैं तो वो बख्शे हुए होते हैं। फिर आपने फरमाया, लोग भलाई की हालत में रात गुजारते हैं और बाज लोग शर की हालत में लिथड़ कर या शर में लिथड़ कर यानी गंदे काम करते हुए रात गुजारते हैं। नमाज की इतनी अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बीमारी में भी नमाज की फिक्र की थी। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि आप मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ुल वफ़ात के बारे में कुछ बताएंगी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब बोझल हुई तो आपने पूछा, क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं। हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे लिए एक टब में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया। आपने गुसल किया और जाने के लिए खड़े होने ही लगे थे कि आप पे बेहोशी तारी हो गई। जब विफाका हुआ फिर यही सवाल पूछा, क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं। हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे लिए टब में पानी रखो। आप नहा कर जाने के लिए खड़े ही होने लगे थे कि आप पे बेहोशी तारी हो गई। हजरत आयशा कहती है कि लोग नमाज इशा के लिए मस्जिद में बैठे आपका इंतजार कर रहे थे, तो आपने अबू बकर के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोगों को नमाज पढ़ा दें। चुनाचे उन दिनों में अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाते रहे। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मर्ज में कुछ तख़फीफ महसूस हुई तो आप जोहर की नमाज के वक्त दो आदमियों के दरमियान निकले, जिनमें से एक अब्बास थे। अबू बकर ने जब आपको देखा तो पीछे हटने लगे। आपने उन्हें इशारा किया कि पीछे ना हटें और अपने साथ आने वाले साथियों को हुक्म दिया, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर के पहलू में बिठा दिया। अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ने लगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तकलीफ थी, कैसी शिद्दत थी, लेकिन फिर भी आप अपने इस फरीजे को नहीं भूले। हालांकि बीमार के लिए तो बहुत सी रुख्सतें हैं। हजरत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलाम था, अस्सलात अस्सलात इत्तकुल्लाह फी मामला का तैमानुकुम, नमाज की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि एक वक्त आएगा कि नमाज का नामो निशान भी मिट जाएगा।
आपने फरमाया कपड़े के बेल बूटों की तरह इस्लाम मिटता जाएगा, हत्ता कि उन्हें ये भी मालूम न होगा कि नमाज, रोजा, कुर्बानी और सदका क्या होते हैं। एक रात में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब को मिटा दिया जाएगा और जमीन में एक आयत भी बाकी न रहेगी। लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों में से कुछ बूढ़े मर्द और औरतें रह जाएंगी, वो कहेंगे हमने अपने आबा व अजदाद को ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते सुना था और अब हम भी कह रहे हैं, यानी उसके अलावा नमाज कुरान से बिल्कुल ला इल्म और गाफिल होंगे। कब्र में जाकर हुई बंदे की हसरत क्या होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, हाल ही में उस मैयत को दफन किया गया था, तो आपने फरमाया दो रकतें हल्की सी होती हैं और तुम लोग उन्हें हकीर और जायद समझते हो, लेकिन वो दो रकतें अगर ये साहिब कब्र अपने अमल में ज्यादा कर लेता तो इसकी नजर में तुम्हारी तमाम बाकी दुनिया से भी उसे ज्यादा महबूब होती। लेकिन हम कितने आराम से नफल छोड़ देते हैं, नफल क्या सुन्नत छोड़ देते हैं, हमारे बंदे बस फर्ज पढ़ के खड़े हो जाते हैं। तो हमें अपनी नमाजों का हिसाब लेना चाहिए, खुद अपना तजिया करना चाहिए कि हम क्या नमाज को अदा करने वाले हैं या नमाज को जाया करने वाले हैं। और जाया करने में ताखीर से पढ़ना भी मुराद है, तो वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में आता है इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता, बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फरीजा है जिसका वक्त मुकरर किया हुआ है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है, आपने फरमाया नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, यानी जब टाइम दाखिल हो जाए तो फिर नमाज की तरफ दौड़े, और जो नमाज को वक्त पर अदा करेगा, पाबंदी से अदा करेगा, अल्लाह ताला का उससे क्या वादा है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज उसके वक्त पर पढ़ते थे मगर मुज़दलिफा और अरफा में जमा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तलकीन भी की है और मुअख्खर करने की मुज़म्मत भी की है। सहाबा के बारे में आता है कि नमाजों को जाया होते देखकर वो रोते थे। इमाम ज़ोहरी कहते हैं मैं दमिश्क में अनस बिन मालिक की खिदमत में गया, आप उस वक्त रो रहे थे, मैंने अर्ज किया आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया अब मैं इस नमाज के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की कोई चीज नहीं पाता, क्योंकि आपने तो इंसानों की तामीर की थी और इंसानों को अखलाक सिखाए थे, तर्ज अमल और मामला सब कुछ, लेकिन आप उनके अंदर तो नहीं रहे थे, कुछ अरसे के बाद आप फौत हो गए थे, यानी उस वक्त उनके पास दुनियावी माल असबाब नहीं थे, यही इबादतें थी, अखलाक थे, अच्छे मामलात थे, अच्छी डीलिंग्स थी। तो बाद में वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अब कोई चीज नहीं पाता सिवाय नमाज के, और अब इस नमाज को भी जाया कर दिया गया है, यानी ताखीर से पढ़ने की वजह से। तो अगर इंसान नमाज पढ़ता है तो उसको अल्लाह की रहमत भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة النور میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی ان پر صلاۃ یہ ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اگر وہ آگے بیٹھ کر اگلی صف میں نماز کا انتظار کرے تو فرشتے بھی اس پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور ان کی صلاۃ کیا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ پھر یہ کہ نماز پڑھنے سے خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اسی لیے تمام انبیاء جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، یعنی نفل نماز، پھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کو حفاظت حاصل ہوگی۔ نماز صحت اور تندرستی کا سبب بھی ہے، حشاش بشاش ہونا اور خوش مزاجی نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد لینے کے لیے جانا، نماز کی طرف جانا، کتنے ہی ان میں سے ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی۔ یعنی نماز کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے وہ بیماری نہیں ہوئے، ظاہر وضو کر کے انسان سارے جراثیم سے پاک ہوتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، وہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، وہ ایک روحانی ٹانک بھی ہے، تو جو بیمار تھے ان کو شفا ہو گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی، یعنی وہ اس مصیبت سے بچ گئے۔ پھر اسی طرح گناہ مٹتے ہیں، وہ اقیم الصلاۃ تا
طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. और दिन के इन दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर नमाज कायम करो, बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है याद करने वालों के लिए। फिर इसी तरह गुनाहों का धुल जाना, गुनाहों का झड़ना और फिर बुराई और बेहयाई से हिफाजत मिलना। कुरान मजीद में आता है इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हदीस में इसको नूर कहा गया है, असलात नूर, इससे नफ्स का तस्किया होता है, बंदे को हिफाजत का एक मजबूत किला मिल जाता है, दिल और आज़ा गुनाह करने से महफूज हो जाते हैं, इससे अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, बुराइयां दूर होती हैं, गुनाहों से रोक दिया जाता है। फिर गैर अखलाकी बीमारियों से बचा जा सकता है, बुरी सिफात इससे खत्म होती है, फितनों का कफारा होता है, आखिरत में नमाजों पर ढेरों अजर मिलेगा, अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वालों का अजर जाया नहीं करेगा। वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबि व अकामुस सलाता इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन, और जो लोग किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और उन्होंने नमाज कायम की, यकीनन हम इस्लाह करने वालों का अजर जाया नहीं किया करते। तो इससे क्या पता चलता है कि जो किताब को थामे रखे और नमाज अदा करे तो दुनिया में भी फायदा होगा और उनका अजर भी जाया न होगा। फिर जहन्नम और मुनाफकत से बरात है। फिर ये कि कब्र में हिफाजत के लिए नमाज आ जाती है सर की तरफ से। फिर इसी तरह क़यामत के दिन चमकदार नूर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अंधेरों में मस्जिदों की तरफ जाते हैं अल्लाह उनके लिए क़यामत के दिन चमकदार नूर के साथ रोशनी करेगा। फिर फरमाया, अंधेरे में मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी दे दो। ये क़यामत के दिन आंखें ठंडी करने का बायस भी होगा, सजदे और वुजू की वजह से आज़ा चमक रहे होंगे नमाजियों के। क़यामत के दिन बुरहान और निजात का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात और आपकी सोहबत चाहे क़यामत के दिन, तो कसरत सुजूद का आपने हुक्म दिया। सजदे के निशानात पर आग हराम है। नमाजी को जन्नत में दाखिल करना अल्लाह